मुंबई पुलिस और एटीएस का मुखबिर निकला अंडरवर्ल्ड का मुखबिर, देता था व्यापारियों और बिल्डरों की जानकारी एजाज लकड़ावाला को। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर और छोटे समय का डॉन एजाज लकड़ावाला की पटना से गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने में उसकी मदद करने वाले मुंबई के एक नामी गिरामी पुलिस के ही मुखबिर को गिरफ्तार किया है। डोंगरी परिसर में रहने वाला सलीम मेमन उर्फ महाराज नाम से जाने जाने वाला ये मुखबिर किसी जमाने में दिवंगत पुलिस अधिकारी विजय सालस्कर का बेहद करीबी था। एटीएस और मुंबई पुलिस के लिए उसने कई अहम खबरें भी दी हैं और कई अहम मामलों में उसने मदद भी की है, ऐसा बताया जाता है। वहीं एजाज लकड़ावाला की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन के CDR डाटा का एनालिसिस किया तो उसमें उसका वारंवार संपर्क सलीम मेमन उर्फ महाराज से होता हुआ दिखाई दिया। उसके आधार पर जब एजाज लकड़ावाला से आगे पूछताछ की गई तो एजाज लकड़ावाला ने बताया कि मुंबई के बिल्डर्स और बड़े बड़े व्यापारियों की जानकारी एक्सटॉर्शन के लिए उसे सलीम मेमन उर्फ महाराज मुहैया कराया करता था। इसके बाद मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने सलीम उर्फ महाराज को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल सलीम महाराज 8 फरवरी तक न्यायालय द्वारा दी गई पुलिस कस्टडी में है। कौन है सलीम महाराज हम आपको बता रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस ने अब उसके खिलाफ मकोका कानून यानी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट क्राइम का जो कानून है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही उस पर मकोका भी लगाया जाने वाला है, ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का। कैसे ATS और मुंबई पुलिस का खबरी अंडरवर्ल्ड का एक्सटॉर्शन की जानकारी देने वाला खबरी निकला, इसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।